आधा घंटा पहले। लेकिन पापा ना कोई फोन ना टेलीग्राम, आप एकदम अचानक आ गए। हाँ बेटे, सब कुछ एकदम अचानक हो गया। मैंने सोचा जाने के पहले तुमसे मिलते हुए चले जाऊं। जाने से पहले आप कहाँ जा रहे हैं? मैं जरा जल्दी में। क्या पापा, एक तो हम इतने दिनों बाद मिले हैं और आप कह रहे कि आप जल्दी में। बेटे मजबूरी। क्या मजबूरी है आपको पापा? पापा मैं हॉस्टल में आपके प्यार के लिए तरस जाती हूँ और आप कह रहे कि आपको जाना है। कान्हा मैम साहब, आपको प्रिंसिपल साहब ने बुलाया है। अच्छा मैं आती हूँ पापा, मैं अब भी जाकर आती हूँ 10 मिनट में। ओके। लेकिन बेटे मैं कम इन सर। यस प्लीज सर, आपने मुझे बुलाया। हाँ बेटा। I'm sorry, कामना। आज मैंने तुम्हें एक बुरी खबर देने के लिए बुलाया है। बुरी खबर? क्या बात है सर? कामना, अभी कुछ देर पहले तुम्हारे अंकल ने मुझे फोन पे तुम्हारे पिताजी के बारे में बताया। क्या बताया उन्होंने? अब बेटा मैं कैसे बताऊं कि आधे घंटे पहले एक एक्सीडेंट में तुम्हारे पिताजी का देहांत हो गया। क्या सर? सर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप मेरे साथ इतना भद्दा मजाक कर सकते हैं। ये मजाक नहीं है कामना। सर ये मजाक नहीं है तो क्या है? मेरे पापा मेरे कमरे में मौजूद हैं। ये कैसे हो सकता है? सर ऐसा ही है। पता नहीं वो प्रिंसिपल कह रहे थे कि आप। वो गलत नहीं कह रहे हैं। मैं जा रहा हूँ बेटा। पापा, पापा मेरी बात सुनिए। पापा। जानता हूं तुम काफी समझदार हो, लेकिन फिर भी मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। ये कॉलेज बदलने का जो फैसला तुमने किया है, क्या तुम्हें लगता है ठीक है? हाँ अंकल। लेकिन मेरे ख्याल से तो पुराना कॉलेज तुम्हारे लिए ठीक था। वहां तुम्हारी सहेलियां थी, उनके बीच तुम्हारा मन लगा रहता। नहीं अंकल, उस हादसे के बाद मेरा उस कॉलेज में दिल नहीं लगता। देखो बेटी, जो कुछ होना था वो हो चुका है। अब तो तुम्हारे पिताजी को गुजरे 6 महीने हो चुके हैं बेटी। मेरे ख्याल से अब तुम्हें अपने आप को संभालने की कोशिश करनी चाहिए। जी अंकल, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने आप को संभालने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है बेटी, मैं चलता हूं। बेटी एक बात का ख्याल रखना, डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी है कि अगर तुमने थोड़ी सी भी टेंशन ली तो तुम्हारी सेहत के लिए खतरा हो सकता है। मुझे याद है अंकल, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगा। चश्मेश, पहले से तुझे कुछ दिखाई नहीं देता और ऊपर से ये भूत प्रेत और आत्माओं वाली कहानियां पढ़ रही हो। और आजकल के मॉडर्न जमाने में सिर्फ गांव के अनपढ़ गवार लोग इन चीजों पर विश्वास करते हैं। और नहीं तो क्या? अगर वाकई में कोई भूत भूत होते तो उनका कोई ठोस सबूत होता, जैसे कोई फोटोग्राफ या कुछ। अरे मैं बात भी क्यों करी, सब बकवास है। ये बकवास नहीं है, आत्माएं होती है। तुम कौन हो? अरे यार ये तो वही है, हमारे क्लास की नई लड़की कामना, कल ही तो आई है हॉस्टल में। अच्छा अच्छा, तो जो वो सामान आया है वो सब तुम्हारा है? हाँ हाँ।
अच्छा, और उसमें गिटार भी है। हाँ? अश्विनी बस करो, कामना तुम कुछ भूत प्रेत के बारे में बता रही थी। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि मैं भूत प्रेत और आत्माओं पर विश्वास करती हूँ, और मेरा दावा है कि वो होते हैं। अरे तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुमने अपनी आंखों से भूत देखा। हाँ मैंने देखा है, लेकिन मैं इसके बारे में बताना नहीं चाहती। क्यों? देखो मैं सिर्फ इसलिए बीच में बोल पड़ी क्योंकि तुम एक ऐसी बात का मजाक उड़ा रहे हो जिसके बारे में तुम कुछ नहीं जानते। आज तक इतने सारे लोग मरे हैं जिसमें इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट और फिलोसोफर रहे हैं जिन्होंने कहा है कि मरने के बाद ही जिंदगी होती है, लेकिन मरने के बाद आज तक कोई वापस नहीं आया और उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलवाई और ये नहीं ऐलान किया कि हाँ देखिए भूत होते हैं और हम हैं उनका जीता जागता सबूत। आज तुम्हें ये सब बकवास लग रहा है, लेकिन जब मैं मरूंगी तो वापस आऊंगी ये साबित करने के लिए कि आत्माएं होती हैं, मौत के बाद भी जिंदगी होती है, ये मेरा वादा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि खाने में 5 प्रकार होते हैं। पहला सीरियल्स जैसे दाल चावल तथा गेहूं, दूसरा हरी सब्जियां तथा फल, तीसरा मीट, चौथा मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स और पांचवा फैट्स। डॉक्टरों के अनुसार अच्छी सेहत के लिए दिन में 4 बार हरी सब्जियां, रोटी दाल फल खाना जरूरी है। बाकी कल। कामना, कामना क्या बात है? दोपहर में मैंने जो भी कुछ कहा मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ। जिस चीज के बारे में मुझे जानकारी नहीं है मुझे उसके बारे में मजाक नहीं करना चाहिए था। इट्स ओके। देख अश्विनी, हम दोनों एक साथ एक ही हॉस्टल में हैं और इन छोटी मोटी बातों को लेकर हमें लड़ना नहीं चाहिए। हाँ वैसे तेरा रूम नंबर कौन सा है? रूम नंबर 13। 13? ऐसा क्या है रूम नंबर 13 में? नहीं कुछ नहीं। अश्विनी कुछ तो बात है, बता ना क्या बात है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन जिस तरह तेरा भूतों पर विश्वास है ना, तेरा तो रूम नंबर 13 में रहना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। मैं कुछ समझी नहीं। शायद हॉस्टल में और कोई रूम खाली नहीं होगा इसलिए वार्डन ने तुझे रूम नंबर 13 दिया होगा ना। आखिर रूम नंबर 13 में ऐसा है क्या? नहीं डरने की कोई बात नहीं है। 3 साल पहले एक लड़की ने उस रूम में आत्महत्या की थी। हाँ उसके बाद से उस रूम में कोई नहीं रह सका। मतलब ये कि उस भयानक घटना के बाद पहली लड़की तो पागल हो गई और दूसरी लड़की अचानक हॉस्टल छोड़कर भाग गई और तीसरी क्या हुआ तीसरी को? उफ जाने दे। उस कमरे में उस लड़की की आत्मा रहती है। आत्मा? हाँ उस लड़की ने पंखे से लटक कर आत्महत्या की थी ना, आज भी ठीक 9 बजे के बाद उस लड़की की लाश पंखे से लटकी गोल गोल घूमते नजर आती है। उसके बहुत लंबे बाल थे जिससे वो अपना चेहरा छुपाए रखती थी। उस हादसे के बाद हॉस्टल वालों ने तो रूम बंद कर दिया था, फिर पता नहीं क्यों तुझे उन्होंने। लेकिन ये सब बकवास है, सब कहानी है, तुझे कुछ नहीं होगा, तू मत घबराना। हिम्मत रख कामना, हिम्मत रख, अंदर कुछ नहीं होगा, हिम्मत रख। नहीं मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, अगर अंदर सचमुच दरवाजा खोल कामना। प्रिया
दरवाजा खोल। क्या हुआ आरती? आरती क्या मैं आज की रात तेरे कमरे में सो सकती हूँ प्लीज? क्यों आरती? मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे कमरे में आत्मा है। आत्मा? हाँ। आई एम सॉरी, लेकिन अगर वार्डन को पता चल गया तो मेरी तो छुट्टी हो जाएगी। आई एम रियली वेरी सॉरी। नहीं आरती प्लीज, आरती कामना, प्रिया क्या मैं आज की रात तेरे रूम में रह सकती हूँ प्लीज? मेरे रूम में? तू घबरा मत, मैं जमीन पर ही सो जाऊंगी प्लीज। वो तो ठीक है, पर कामना ये हॉस्टल के रूल के खिलाफ है। आई एम सॉरी प्रिया, प्लीज ऐसा मत कर। प्रिया प्लीज, अश्विनी अश्विनी प्लीज दरवाजा खोल। कामना क्या हुआ? अश्विनी प्लीज मुझे आज की रात तेरे कमरे में सोने दे, मैं कल वार्डन से कहकर अपना कमरा बदल दूंगी। मैं तेरी मदद करना चाहती हूँ लेकिन। लेकिन क्या? लेकिन अगर मैं पकड़ी गई तो हॉस्टल से निकाल दी जाऊंगी। अश्विनी प्लीज मेरी मदद कर, कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा है, मैं क्या करूं? तू जा, तू सो जा अपने कमरे में, कुछ नहीं होगा तेरे को। मुझे डर लगता है, तू भी मेरे साथ चलना प्लीज अश्विनी। ना बाबा ना। अश्विनी मेरी बात सुन। नहीं 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 सॉरी सॉरी प्लीज अश। कामना, इतनी रात गए तुम कॉरिडोर में क्या कर रही हो? मैडम तुम्हें पता है इस वक्त टाइम क्या हुआ है? प्लीज मैडम मुझे आज की रात किसी और के कमरे में सोने दीजिए। नहीं मैडम, क्या मैं हॉस्टल के बाहर जा सकती हूँ? बिल्कुल नहीं, 10 बजे के बाद किसी भी लड़की को हॉस्टल के बाहर जाना मना है। तुम सीधे जाके अपने कमरे में सो जाओ प्लीज। जाओ अपने कमरे में। मैडम प्लीज। कामना अपने रूम में जाओ, गो टू योर रूम। शारदा जानती हूँ इस वक्त टाइम क्या हुआ? 12 बजे हैं। ओफो मैडम मैं सच कह रही हूँ, कामना की रूम से बहुत अजीब अजीब आवाजें आ रही है। वो लड़की तो बिल्कुल पागल है, सुबह ही मैं प्रिंसिपल से कह के उसे कॉलेज से निकलवा दूंगी। क्या बात है कामना? कामना 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 कमरे में तो
कोई भी नहीं है। मैडम, डॉक्टर ने कुछ बताया उसकी मौत किस वजह से हुई? डर। डर की वजह से कामना का हार्ट फेल हो गया। डर से? हाँ, कामना के पिताजी का एक्सीडेंट 6 महीने पहले हुआ था। अचानक मौत हो जाने की वजह से उसके दिमाग पर गहरा असर पड़ा, इसीलिए उसका इलाज भी चल रहा था। और यही वजह थी कि उसने अपना कॉलेज भी बदली किया, ताकि यहाँ आकर वो नए लोग नए दोस्तों में रहे, उसका दिल बहल जाए। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती। क्या मैडम? यही कि उस कमरे में ऐसा क्या था जिससे वो डर गई थी? ये लाइट क्यों चली गई? आने का वादा किया था ना, देखो मैं वापस आ गई। नहीं, नहीं। अब तो तुम्हें यकीन आ गया ना अश्विनी कि आत्माएं होती है, मौत के बाद भी जिंदगी होती है। मैंने तो बता दिया था। अब तुम्हारे मजाक से मैं डर कर मर गई, और अब मैं तुम्हें भी मारूंगी अश्विनी। अश्विनी, ना तो तुम मुझसे छुप सकती हो और ना ही मुझसे भाग कर कहीं जा सकती हो। अश्विनी प्लीज मुझे अंदर आने दे। अश्विनी प्लीज, अश्विनी प्लीज मुझे अंदर आने दे, प्लीज मुझे अंदर आने दे। दरवाजा बंद कर दे। अश्विनी, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी? कुछ नहीं, मैं तेरे पैर देख रही थी। पैर? सुबह के 4 बज रहे, तू इस समय यहाँ क्या कर रही है? मैंने एक बहुत भयानक सपना देखा। अश्विनी, अश्विनी, अश्विनी दरवाजा खोल, अश्विनी जल्दी दरवाजा खोल, अश्विनी प्लीज, अश्विनी दरवाजा खोल, अश्विनी प्लीज, अश्विनी, अश्विनी, अश्विनी दरवाजा खोल, अश्विनी प्लीज, अश्विनी मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम दोनों यहाँ? अश्विनी, मैंने एक बहुत ही डरावना सपना देखा, और शांति भी वही सपना देखा। कामना का सपना ना? हाँ हाँ, मैंने भी कामना का ही सपना देखा। मैंने देखा कि एक अंधेरे कॉरिडोर में वो मेरा पीछा कर रही है। मैं भागकर सीढ़ियाँ उतरती हूँ और वो बराबर मेरे पीछे कहते हुए आ रही है, तुम्हें सबूत चाहिए था ना, मैं वापस आ गई। लो, मैं वापस आ गई। और सबसे डरावनी बात ये थी कि उसके पैर खुलते थे ना। हाँ। कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि कामना की आत्मा भूत बन के वापस आके हमसे बदला लेना चाहती है? भगवान, एक सपना था, लेकिन इस सपने का कोई ना कोई मतलब तो जरूर होगा ना। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। कामना अभी अभी मरी है ना, और हम चारों हमें
हमेशा उसी के बारे में सोचते रहते हैं। इसलिए चारों को उसी का सपना आया। अब मैं अटेंडेंस ले जाऊं। रोल नंबर 1, 2, 3, 4 प्रेजेंट सर। 5 प्रेजेंट सर। 6 प्रेजेंट सर। 7 कुछ भी नहीं होगा। मुझे बहुत डर लगता है, डर के मारे रात को नींद भी नहीं। मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा, अब तो चुप है। 14 15 ओह आई एम सॉरी, ये तो कामना का नंबर है, मैं तो भूल ही गया था कि वो कामना प्रेजेंट सर। लेकिन मैं पहुंच ही गई। शहरी अभी तक सूखी नहीं, मतलब खड़े हो जाओ। स्टैंड अप, स्टैंड अप। तुम कामना के बेंच के ठीक सामने बैठी हो ना हो, ये तुम्हारी हरकत है, बोलो है कि नहीं। सर मैं ऐसा मजाक कैसे कर सकती हूँ। तो फिर क्या, कामना की आत्मा ने यहाँ कर बोला प्रेजेंट सर और लिख दिया यहाँ कर कामना। मुझे क्या पता, मैं तो यहाँ बैठी हूँ। शट अप, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, पहले भी कई बार तुम क्लास में शरारतें करती पकड़ी गई हो। बोलो शट अप। तुझे क्या लगता है, ये अश्विनी की शरारत थी या फिर कामना वापस? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, जितना इसके बारे में सोचती हूँ उतना ही ज्यादा डर लगता है। एनीवे मुझे कुछ हिस्ट्री की किताबें ढूंढनी है, मैं तुझे बाद में हॉस्टल में मिलती हूँ। भूली नहीं हूं, कहा था ना मैं वापस आऊंगी। कामना, मुझे क्या लगता है, क्या कामना वापस आने की कोशिश कर रही है? देख, पहले वो सपना और
भी अजीब अजीब घटनाएं। बकवास बकवास। पहले हम सब लड़कियों को डराने की कोशिश करते थे, अब इन हरकतों से हमें कोई डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमें क्यों? किसी को क्या पता कि कामना की मौत की जिम्मेदार हम लोग हैं। और अगर कोई मजाक कर रहा है तो वो हम चारों में से कोई एक है। तुम सब लोग मुझे क्यों घूर रही हो? मैंने कुछ नहीं किया है, मैं बता रही हूँ। अश्विनी एक बात बता मुझे, जब मैं लाइब्रेरी में थी 5 बजे, उस वक्त तू कहाँ थी? मैं अपने रूम में थी, और कहाँ? मैं नहीं, कोई और कर रहा है ये। और कौन? आवाज कैसी है? कोई गिटार बजा रहा है? लेकिन हॉस्टल में तो सिर्फ कामना ही गिटार बजाना चाहती थी। कामना, तेरा मतलब है कि कामना, हम चारों यहाँ इस वक्त मौजूद हैं, इसका मतलब इन सब हरकतों के पीछे किसी और का हाथ है। अभी पता चल जाता है। चल 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 कर देखते हैं। आवाज वहां से आ रही है, उस कोने से। लेकिन उस तरफ तो कामना का कमरा है। चल देखते हैं। ये बंदियाँ क्यों बुझ गई? मुझे अब बहुत खतरा नजर आ रहा है। प्लीज हम लोग अपने कमरे में वापस चलते हैं। हाँ, वहां जाकर टॉर्च लेकर आते हैं। हाँ। नहीं, अगर हम सर अपने हाथ से मिले तो जो भी वहां है हमें आगे बढ़ना चाहिए। नहीं, मैं और आगे नहीं बढ़ सकती। आगे बढ़। हाँ। जाकर दरवाजा खोल, तभी पता चल जाएगा कि अंदर कौन है। तू जा। बात हो गई और तुम लोग उसका मजाक बना रखा है। गो टू योर रूम्स।
बार देखेंगे कि तुम लोगों के साथ क्या सुलूक किया जाएगा। हाँ गॉड यार, रात शांति से गुजर गई और हमें कुछ नहीं हुआ, हम लोग बच गए। अब हमें जल्दी से हॉस्टल जाना चाहिए और सामान पैक करना चाहिए और यहाँ से भागना चाहिए। हॉस्टल? हॉस्टल तो क्या, मैं तो कहती हूँ कि अगर कॉलेज छोड़कर भी जाना पड़े तो दुख नहीं होगा, कम से कम जान तो बच जाएगी। तुम लोगों ने इसी जगह पर मुझसे सबूत मांगा था ना, देखो मैं वापस आई हूँ ये साबित करने के लिए कि आत्मा होती है। अब विश्वास हो गया ना तुम लोगों को? मेरी मौत तुम लोगों की वजह से हुई है, अब मैं तुम सबको मारूंगी। मुझे माफ कर दो, गलती मेरी थी, मैंने ही वो झूठी कहानी बनाई थी। और मुझे जरा भी मालूम नहीं था कि तुम बीमार हो और तुम डर के मर जाओगी। मुझे मरने का अफसोस नहीं है प्रिया, मरने के बाद मैं अपने पापा के और करीब चली गई, लेकिन मुझे गुस्सा इस बात का है कि तुम लोगों ने ना तो सिर्फ एक झूठी कहानी बनाई बल्कि पंखे से एक लड़की को लटका भी दिया। गलत है, हमने किसी को नहीं लटकाया। तो फिर वो लड़की कौन थी जो पंखे से लटक कर गोल गोल घूम रही थी, जिसका चेहरा उसके लंबे बालों से ढका हुआ था? लेकिन मुझे पता है और मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मुझे पता है वो लड़की कौन है, मुझे पता है वो लड़की कौन है। क्या तुम लोगों ने भी वही सपना देखा जो मैंने देखा? कामना वापस आ गई है, उसमें अब कोई शक नहीं है। लेकिन लड़की जो पंखे से लटक रही थी वो कौन थी? पता नहीं, कहीं तू ही तो नहीं थी? मैंने कहानी जरूर बनाई थी, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं पंखे से लटक जाऊं। ये जरूर तुम तीनों में से किसी का काम है, मेरा नहीं है। मैं भी नहीं थी। और मैं तो ये करने का सोच भी नहीं सकती। नहीं, लेकिन ये बात तय है कि हम चारों में से ये किसी का काम है। लेकिन किसका? उस रात को क्या हुआ था? कामना पहले आरती के पास गई, उसके बाद प्रिया के पास गई और फिर वो मेरे पास आई। हम तीनों ने उसे अंदर आने से मना कर दिया। इसका मतलब हम तीनों अपने ही कमरे में मौजूद थे। अब बची सिर्फ तुम शारदा। नहीं, मैं भी अपने कमरे में थी। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, तुम अपने कमरे में नहीं थी, तुम कामना के कमरे में थी और पंखे से लटकी हुई थी। नहीं, देख सच सच बता दे वरना हम सब मारे जाएंगे। प्लीज बता दे। हाँ, वो मैं ही थी। मैंने ही पंखे से लटक कर तेरी कहानी को हकीकत का रूप दिया था। मैंने ही नकली बालों वाली विग पहन रखी थी। लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मेरा इरादा गलत नहीं था। मैं तो सिर्फ उसे डराना चाहती थी। तुझे ये सब करने की क्या जरूरत थी? तुम लोग सब मुझे बेवकूफ समझते हो, बुद्धू समझते हो कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती। इसलिए जिस दिन तुमने कामना को वो कहानी बताई तो मेरे दिमाग में ये आइडिया आया। मैंने सोचा ये अच्छा मौका है तुम सबकी नजरों में हीरोइन बनने का। देख लिया अपने हीरोइन बनने का नतीजा, एक लड़की की जान चली गई। पर मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि वो मर जाएगी। मैं तो सिर्फ उसे डराना चाहती थी। तूने अपने बेवकूफ होने का
एक और सबूत दे दिया। प्लीज 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 मुझे बचा लो, मेरी मदद करो प्लीज। अश्विनी प्लीज मुझे मत निकालो, सिर्फ सुबह तक मेरा साथ दे दो, फिर मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी। प्लीज मैं किसी और लड़की के रूम में चली जाती हूँ, या फिर मैडम के पास चली जाती हूँ, वो मेरी मदद जरूर करेगी। हाँ तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। नहीं। हाँ शारदा। अश्विनी, अश्विनी। नहीं। अश्विनी मेरी मदद करो। शारदा। नहीं। शारदा। उस रात मेरे लिए किसी ने दरवाजा नहीं खोला, आज तेरे लिए भी कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। नहीं, मेरे पास बताओ। जो कुछ भी उस रात मेरे साथ हुआ वो सब आज तेरे साथ भी होगा। मेरे पास बताओ, मुझे माफ कर दो प्लीज। आज तुझे कभी नहीं बचा सकते शारदा, मुझे माफ कर दो। इसे कहते हैं ऊपर वाले का इंसाफ। नहीं शारदा, तू घबरा मत। भगवान, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बचाओ, भगवान के लिए मुझे बचाओ। आप फिर कहाँ जा रही हो शारदा, और कहाँ तक जाओगी? मैं जिंदगी और मौत की सीमा पार करके आई हूँ यहाँ तक। नहीं, मुझे माफ कर दो। सिर्फ तुम्हारे लिए शारदा, और तू है कि मुझसे दूर भाग गई है। ये किसका कमरा है? मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, मेरे चश्मे को भी अभी गिरना था। लाइट का स्विच उस दिन भी काम नहीं कर रहा था और आज भी नहीं करेगा। शारदा, ये मेरा कमरा है, ये वो कमरा है जिसमें तुम्हारी वजह से मेरी मौत हुई, कमरा नंबर 13। सब कुछ इस कमरे में उसी तरह है जैसा उस रात था। प्लीज मुझे मत मारो, मैंने तो सिर्फ तुम्हारे साथ एक मजाक किया था, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी। प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज मुझे मत मारो। घबराओ मत शारदा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, मैं तो सिर्फ तुम्हें वो दिखाना चाहती हूँ जो उस रात मैंने देखा था। मैं सिर्फ ये देखना चाहती हूँ कि वो सब देखकर तुम पर क्या असर होता है। देखो चाचा, मैं तुम्हें एक आखिरी चीज दिखाना चाहती हूँ, तुम जरूर देखना चाहोगी, देखना चाहती हो? देखो, डॉक्टर दवाइयों का सेल्समैन आया था, कह रहा था कि हमने 2 महीनों से किसी दवाई का ऑर्डर ही नहीं दिया।
क्या ऑर्डर करें? पहले की दवाइयां अभी तक खत्म नहीं हुई। हमें दवाइयों की नहीं, मरीजों की जरूरत है। डॉक्टर साहब दरवाजा खोलिए ना, डॉक्टर साहब पकड़ लो। ये तो मेरी नौकरानी श्यामा की आवाज है, लगता है कुछ गड़बड़ हो गई। डॉक्टर साहब दरवाजा मत खोलिए। आपकी श्यामा बोल रही है, डॉक्टर साहब खोलिए ना, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे। दरवाजा मत खोलिए, मेरी बात नहीं है डॉक्टर, दरवाजा मत खोलिए डॉक्टर प्लीज। लेकिन तुम हंस क्यों रही हो? हंस रही हो? इस निशान का क्या मतलब है? पुलिस को कुछ पता चला कि नवीन साहब की मौत कैसे हुई थी? नहीं, रिपोर्ट से यही पता चलता है कि बेचारे के दिमाग की सारी नसें फट गई थी, लेकिन ये कैसे हुआ इसका पता नहीं चल सका। निशान साहब, इसका कारण दरवाजे पर बना वो निशान है। दुख तो इसी बात का है प्रकाश कि पुलिस के वहां पहुंचने तक वो निशान गायब हो गया था, इसलिए कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन श्यामा वो तो वहीं पर थी। नहीं साहब, मैं वहां पर नहीं थी, मैं तो वेजी के घर में सफाई कर रही थी। तुम झूठ बोल रही हो, मैंने खुद तुम्हें वहां देखा है और तुम्हारी आवाज भी सुनी है। प्रकाश प्रकाश, अब तुम्हें मैं कैसे समझाऊं? तुमने जिस औरत को वहां देखा वो श्यामा नहीं थी, दरअसल वो औरत ही नहीं थी, औरत का सिर्फ एक रूप था जिसकी आवाज और सूरत श्यामा से मिलती जुलती होगी। तो अब दवाखाने का क्या होगा? क्या फिर से बंद हो जाएगा? नहीं, जो कुछ भी हुआ उसका मुझे अफसोस जरूर है, लेकिन मैं दवाखाना बंद नहीं होगा, बल्कि छोटे से कस्बे में मैं अब और भी अच्छी और मॉडर्न दवाइयां लाने की कोशिश करूंगा। लेकिन डॉक्टर क्या क्या करेंगे? अब कौन आएगा यहां पर? और अगर कोई बाहर वाला डॉक्टर अनजाने में आ भी गया तो क्या उसकी जान इस तरह खतरे में डालना ठीक होगा? अब हमें बाहर के किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। क्या मतलब? तुम शायद भूल गए, मेरी बेटी जो विदेश में डॉक्टरी पढ़ रही थी वो वापस लौट रही है। अब इस कस्बे की नई डॉक्टर वही होगी। वैसा ही है, कुछ भी नहीं बदला। हाँ बेटी, कुछ भी नहीं बदला। अच्छा हुआ तुम आ गई, दवाखाना संभालने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत थी। हमारा दवाखाना तो खूब चल रहा होगा, 8-10 डॉक्टर्स काम कर रहे होंगे। एक भी नहीं है। एक भी नहीं? कुछ तो मर गए और कुछ मौत के डर से छोड़ के चले गए। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या इस कस्बे में रोगियों के इलाज के लिए कोई सुविधा नहीं है? सुविधा तो है, लेकिन अस्पताल में आने के लिए कोई तैयारी नहीं। क्या मतलब? फिर ये लोग इलाज के लिए जाते कहाँ हैं? यहाँ आसपास कोई दूसरा हॉस्पिटल भी तो नहीं है? अस्पताल के बजाय वो नियोगी बाबा के यहाँ जाना पसंद करते हैं। नियोगी बाबा? ये कौन है? है एक ढोंगी बाबा जो अपनी तंत्र विद्या से रोगियों को ठीक करने का दावा करता है। किसी ने कुछ मिलाकर तुम्हें खिला दिया है और वो जाके तुम्हारे खून में मिल गया है। बाबा, बाबा मैं क्या करूं बाबा? घबराओ नहीं, मेरे पास उसका इलाज है।
सुप्रिया बेटी जरा चाकू लेके आना। हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। अच्छाई की देवी मुझे शक्ति दे, मेरी मदद कर ताकि मैं इसके खून से बुराई को निकाल दूं। मुझे शक्ति दे। ओह माय गॉड, इनमें से कुछ लोगों को तो फौरन हॉस्पिटल में भर्ती करना जरूरी है। मैं चुप नहीं रहूंगी, कहां है वो ढोंगी बाबा? राजशेखर बाबू, आप यहाँ क्यों आए हैं? अरे बदतमीज लड़की, आपके साथ में कौन? मैं यहाँ की नई डॉक्टर हूँ, लेकिन ये सब क्या हो रहा है? तुम इस बेचारे के साथ क्या कर रहे हो? मैं इसका इलाज कर रहा हूँ। इसके खून में जो काला जादू का असर है उसे निकाल रहा हूँ। इस तरह खून बहाकर तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? राजशेखर, इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो जाए। देखा बेटी, मेरे जादू का असर? देखो प्रकाश, मैं इन सब बातों पे विश्वास नहीं करता। आप मेरा विश्वास कीजिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर नवीन की मौत से पहले भी इस प्रिया मुझे मुर्गा ले जाते हुए नजर आई थी। What nonsense! ये सब बकवास है प्रकाश। ये बकवास नहीं, आपकी जान को खतरा है। योगी बाबा इस वक्त आपसे बदला लेने के लिए किसी प्रेत आत्मा को बुला रहा होगा। मुझे अपनी फिक्र नहीं, मुझे फिक्र है उन रोगियों की जिन्हें इलाज की जरूरत है। पर योगी बाबा के डर से यहाँ कोई आता ही नहीं। चलो आओ मेरे साथ। हाँ डॉक्टर साहब, मैं हर घर में जाकर यहाँ के हालात खुद देखना चाहती हूँ। जल्दी चलो, मुझे 10 बजे तक वापस लौटना है। वो किस लिए? मेरी एक सहेली है नमिता, वो शहर से कुछ दिनों के लिए मेरे साथ रहने के लिए आ रही है। उसका टेलीग्राम आया है कि वो 10 बजे तक पहुंच रही है। दरवाजे पे निशान भी बना दिया। अब मेरी पुकार सुनो, मेरे पास आओ और मेरा बदला लेने में मेरी मदद करो। तुम आ गई हो तो डॉक्टर से मेरा बदला लेने में मेरी मदद करो। जो चाहोगे हो जाएगा।
मिला तो नहीं। साधना आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं। अरे यहाँ तो कोई नहीं। थैंक गॉड अभी बिल्कुल ठीक है। ठीक इसलिए है क्योंकि ये निशान इनके लिए नहीं बनाया गया था और फिर ना ही इनका नाम लेकर पुकारा गया था। तुम ये सब क्या कह रहे हो प्रकाश? मैं सच कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, उन डॉक्टरों का भी यही हाल हुआ था जो आपसे पहले यहाँ आए थे। असल में ये निशान आपके लिए बनाया गया था और अगर 3 बार पुकारने तक आप दरवाजा खोल देती तो आपकी मौत हो जाती। ये निशान पुकार मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप इसे अंधविश्वास कह सकती हैं पर ये हकीकत है। काले जादू में इस तरह के निशान से दुश्मन को नुकसान पहुंचाते हैं, इससे बड़ी भयानक मौत होती है। अच्छा, दरवाजे पर खून का निशान बना दिया जाता है और जिस आदमी को मारना होता है उसका नाम लेकर पुकारा जाता है और पुकारने वाली होती है प्रेत आत्मा जो भेष बदल कर आती है। और अगर आपने 3 बार पुकारने तक दरवाजा खोल दिया तो समझिए आपकी मौत हो जाएगी क्योंकि तो निशान आप पर असर करेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हुआ है डॉक्टर साहब, इसलिए तो हम लोग अंधेरा होने के बाद दरवाजा नहीं खोलते जब तक कि पुकारने वाला चौथी बार न पुकार ले। साधना दरवाजा खोलो, मैं नविता हूँ। डॉक्टर साहब करिए, इतना आपकी सहेली नहीं है, ये आत्मा है जो उसकी नकल कर रही है। अरे सब लोग सो गए क्या? साधना दरवाजा खोलो प्लीज, ये मेरी सहेली है, मैं इसे बाहर खड़ी नहीं रख सकती, मैं दरवाजा खोल रही हूँ। नहीं रुकिए, रुकिए, एक बार पुकारने तक आप रुक जाइए, प्रेत आत्मा होगी तो चौथी बार नहीं पुकारेगी वो। हाँ अगर आपकी सहेली होगी वो तो पुकारेगी ही, फिर दरवाजा खोल सकते, फिर कोई खतरा नहीं होगा। उसने चौथी बार नहीं पुकारा, वो प्रेत आत्मा ही है। साधना दरवाजा क्यों नहीं खोलती? साधना मैं नविता हूँ। डॉक्टर ने 5 बार पुकार लिया है, तू मेरी सहेली है नविता। दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी? तुझे पता था मैं आ जा रही हूँ? वो मेरी जरा आंख लग गई थी। और ये क्या, ये बाहर दरवाजे पर निशान कैसा है? अब तुझे क्या बताऊँ, ये सब यहाँ के लोगों का वहम है और कुछ नहीं। अभी तेरी आवाज सुनकर प्रकाश ने कहा कि ये कोई प्रेतात्मा भी हो सकती है जो नविता की नकल कर रही है। प्रेतात्मा? तू पागल तो नहीं हो गई है? सच पूछ तो मैं भी डर गई थी, इसीलिए दरवाजा खोलने में देर हो गई। I'm sorry, तुझे इंतजार करना पड़ा। It's okay. साथ में नविता हूँ। नविता? मैं नविता हूँ, कब से बाहर खड़ी हूँ, दरवाजा खोलो प्लीज। मैं तो यहाँ हूँ, बाहर दरवाजे पर कौन है? साधना दरवाजा खोल, मैं सारी रात यहाँ तेरे इंतजार में खड़ी नहीं रह सकती। दरवाजा खोल, दरवाजा खोल साधना, दरवाजा खोल। आज का दिन बड़ा बेकार है। पहले नमिता चली गई, उसको कोई जरूरी काम याद आ गया, फिर घर के सब नौकर छोड़कर चले गए। अभी एक पेशेंट आया था वो भी चला गया,
कल जिन जिन लोगों के घर हम गए थे उन सब ने यहाँ आने का वादा किया था, कोई नहीं आया। नहीं डॉक्टर साहब, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। आपकी सहेली तो पढ़ी लिखी थी, इसके बावजूद डर कर भाग गई। तो यहाँ के लोग तो इस निशान को अच्छी तरह समझते हैं। वो सोचते हैं कि आप पर शराब है। अब बस कर, मैं घर जा रही हूँ। और हाँ, तुम एक काम करो, यहाँ गांव में जो लोग बीमार हैं, उनके लिए सावनपुर जाकर वहां के सरकारी अस्पताल में दे दो, ठीक है? डैडी, आपने मुझे बुलाया? ये क्या है? तुम्हारा टिकट। कल सुबह की ट्रेन से तुम मुंबई जा रही हो। मुंबई? क्यों? मैंने तुम्हें यहां बुलाकर गलती की। यहां तुम्हारी जान को खतरा है, इसलिए मैं चाहता हूं तुम यहां से कहीं दूर चले जाओ। लेकिन डैडी, मैं आपको इस हालत में अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। घर में कोई नौकर भी नहीं है। तुम चली जाओगी तो मेरी चिंता दूर हो जाएगी, मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगा। लेकिन डैडी, आप, तुम्हें बचाने का बस यही एक रास्ता है। चली जाओगी तो निशान का भी तुम पे कोई असर नहीं होगा। निशान ये नियोगी बाबा, सब बकवास है। भले ही बकवास हो, लेकिन ये सच है कि नियोगी एक खतरनाक आदमी है, इसलिए तुम मेरी मानो और यहाँ से चली जाओ। डॉक्टर साधना, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, जल्दी से दरवाजा खोलो। सावनपुर से लौटते समय हाईवे पर ट्रक वाले ने तुम्हारे कंपाउंडर प्रकाश की साइकिल को उड़ा दिया है। वो जख्मी हो गया है। प्रकाश का एक्सीडेंट हो गया? मैंने उसे सावनपुर भेजा था। नहीं नहीं बेटे, नियोगी की ये और चाल है। उसे पता है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए बाहर भेज दूंगा, इसलिए तुमसे दरवाजा खुलवाने की कोशिश कर रहा है। वो दरवाजा मत खोलना। साथ में मैम साहब, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा कंपाउंडर तुम्हारे ही दरवाजे पर दम तोड़े? दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोलिए साधना मैम साहब, दरवाजा खोलिए। ये लोग कहाँ चले गए? मैं तुम्हें लेने आया हूँ डॉक्टर साधना। प्रकाश, तुम यहाँ? मैं तुम्हें लेने आया हूँ। दरवाजा खोल कर तुमने बहुत बड़ी गलती की है डॉक्टर साधना। पुकार में दरवाजा खोल दिया, निशान ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। अब इसे कोई नहीं बचा सकता। ये कितनी देर में मर जाएगी? क्या तुरंत, जैसे कि वो पिछला डॉक्टर मरा था? ऐसे आसान मौत मन में नहीं दूंगा। ये तो घुट घुट कर, तड़प तड़प कर, आहिस्ता आहिस्ता मरेगी। साधना, साधना उठो बेटी, साधना। हाँ, अब कैसा महसूस कर रही हो? ठीक है, लेकिन थोड़ी सी कमजोरी है। इसका मतलब नियोगी की जादू ने असर नहीं किया, ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, क्या बिल्कुल ठीक है ना? कहीं कोई दर्द तो नहीं हो रहा, कोई चक्कर आ रहा हो? नहीं, लेकिन हाँ, मुझे प्यास लगी है, जबरदस्त प्यास। मेरा गला सूख रहा है, मुझे पानी दीजिए जल्दी। हाँ, पानी देते हैं। इसका मतलब ये ठीक है। हाँ, उसके जादू ने असर नहीं किया, वरना अभी तक। लो बेटे, पानी लो, ये लो। Hey!
किया? वो मारी करता था, दादा, और उसमें से बदबू आ रही थी। नहीं बेटा, वो पानी तो साफ था। नहीं, वो गंदा था। मुझे प्यास लगी, मेरा गला सूख रहा है। मुझे जल्दी से पानी दीजिए, पानी। हाँ, ला रहे, ला रहे पानी। ये लो बेटा, ये ले रहे। ये लो, ये लो, एक तो साफ पानी है। एक साथ पत्ती ना थोड़ा थोड़ा के एक एक घूट करके पीना। हाँ, इसे प्यास लगेगी मगर ये एक बूंद पानी भी नहीं पी सकेगी। ये प्यास से तड़प तड़प के मर जाएगी। ये क्या किया तुमने? उस रोज जो तुमने मेरी बेइज्जती की उसकी सजा दी है मैंने तुम्हें। अब ये बहुत सजा भुगत चुकी है, इसे माफ कर दो और इस श्राप से छुटकारा दिला दो। नहीं, रहम करो दियोगी, मैं तुमसे अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि मैं दवा खाना बंद कर दूंगा और इसे भी कहीं दूर भेज दूंगा। ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। अब इसका श्राप इसके मौत के बाद ही खत्म होगा। से पानी पिलाने की कोशिश की लेकिन पानी गले से नीचे उतरता ही नहीं। प्रकाश, क्या कोई तांत्रिक मिला जो नियोगी के यादों का तोड़ कर सके? वैसे तो आसपास के सारे तांत्रिक नियोगी बाबा से बहुत डरते हैं, लेकिन हिम्मत करके एक तांत्रिक ने मुझे रास्ता बता दिया है। हम ये जादू पलट सकते हैं। कैसे? जिसने ये जादू पहले किया है इसका असर हम उसी पर पलट सकते हैं। मतलब साधना बच जाएगी और वो नियोगी प्यास से तड़प तड़प के मर जाएगा? बिल्कुल। कैसे? जैसे ही निशान हमारे दरवाजे पर बना हुआ है वैसा ही निशान हम नियोगी बाबा के दरवाजे पर बना देंगे खून से। जैसे ही बेटा को उसको पुकारेगी वो दरवाजा खोलेगा, उसके जादू का असर उसी पर पड़ेगा और डॉक्टर साहब बच जाएंगी। बन चुका है। नियोगी बाबा, मुझे बहुत प्यास लगी। नियोगी बाबा, साधना बेटी को पानी नहीं पिलाओगे? मुझे देख के घबरा गए। मुझे बुलाया, मैं आ गई। जब भी मुझे कोई बुलाता है मैं पहुंच जाती हूँ। मेरे पास यही एक रास्ता था डॉक्टर साधना को बचाने का। दरवाजा खोलूंगा ही नहीं, लेकिन कब तक? जब तक डॉक्टर साधना मर नहीं जाती तब तक, और दो चार रोज के बाद डॉक्टर साधना मर जाएगी और उसके मरने के बाद मेरे दरवाजे से ये निशान आप ही आप मिट जाएगा। सुप्रिया बेटी, लो पी लो इसे, ये जड़ी बूटी से बनी दवा है, तुम्हें आराम मिलेगा। दरवाजा खोल, खोल दरवाजा, मैं तेरी माँ हूँ। खोल ना, खोल दरवाजा। पापा, 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 ये दादू क्यों? ये वो नहीं, ये कोई और है। खोल दरवाजा, मैं तेरी माँ हूँ। खोल ना, खोल दरवाजा। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। मैं जानता हूं कि तुम कौन हो, तुम प्रेत आत्मा हो। मैं
मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। चले जाओ। आज ना सही फिर कभी सही। तो ये मत समझ कि इतना चालाक है कभी दरवाजा खोलेगा ही नहीं। मैं तुझसे दरवाजा खुलवा कर रहूंगी। क्या बात है, आज नियोगी बाबा के घर पे लोगों की भीड़ नहीं है और दरवाजा भी बंद है। उनके दरवाजे पर निशान है, वो श्रापित है, इसलिए डर के मारे कोई उनके पास नहीं आ रहा है। अच्छा ये बात है। हाँ, और उनकी बेटी सुप्रिया की तबीयत भी बहुत खराब है। अरे क्या हुआ सुप्रिया को? बहुत तेज बुखार है, ऐसा लगता है बचेगी नहीं। हे प्रेतात्मा, जो मेरी बेटी शरीर में घुसी हुई है और उसके खून को गंदा कर दिया है, बाहर निकल, मेरी बेटी के शरीर को छोड़ दे। बिल्कुल, क्या कर रहे हो तुम? मेरे इलाज के बीच में मुझे रोकने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इलाज? तुम इसे इलाज कहते हो? पहले वो बेचारी बीमार है, तुमने उसका खून निकाल लिया, अब क्या घोड़े मारकर उसकी जान लेना चाहते हो? मैं तो उसको बचाने की कोशिश कर रहा हूं। इस तरह से बचेगी नहीं, मर जाएगी। बेवकूफ, इसमें किसी भूत प्रेत का साया नहीं है, ये महामारी का शिकार है, इसे बुखार है, बुखार, वो बुखार जो अब तक सैकड़ों जाने ले चुका है। इसे किसी हॉस्पिटल में एडमिट करवाओ ताकि कोई सचमुच का डॉक्टर इसका इलाज कर सके। लेकिन ये मेरे इलाज से तो भी ठीक हो सकती है? तुम्हारे इलाज से ठीक नहीं होगी, मर जाएगी। क्या तुम इसे मार डालना चाहते हो? क्या करूं? मैं कहां जाऊं? मेरी बेटी को बचा लो। इसे सिर्फ एक लड़की बचा सकती है। कौन? मेरी बेटी डॉक्टर साधना। लेकिन अफसोस, तुम्हारी वजह से वो भी आखिरी सांसें गिन रही है। मैं नियोगी की बेटी की बात कर रहा था। मैंने नियोगी से कहा कि उसने तुम पे काला जादू करके गलती की है, वरना तुम उसकी बेटी की जान बचा सकती थी। क्या हुआ है उसकी बेटी को? महामारी का शिकार है वो, और बचने की कोई उम्मीद नहीं। नियोगी बाबा दरवाजा खोलो, डॉक्टर साधना तुम्हारी बेटी की मदद के लिए आई है। ये झूठ है, तुम प्रेतात्मा हो और मुझे मारने आई हो। डॉक्टर साधना मेरे और मेरी बेटी की मदद के लिए कभी नहीं आ सकती। तुम प्रेतात्मा हो, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। बेवकूफ मत बनो, दरवाजा खोलो नियोगी बाबा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी, तुम्हारी बेटी मर जाएगी। दरवाजा खोलो। मेरा नाम पुकारो तो मुझे यकीन हो जाएगा कि ये जान नहीं है। बस एक और बार। देखा, तुम लोगों ने चौथी बार मेरा नाम नहीं पुकारा, मैं सही था, तुम प्रेतात्मा हो, मुझे पता है। योगी बाबा दरवाजा खोलो, मैं हूं प्रकाश, देखो मैंने तुम्हारा चौथी बार नाम पुकार लिया है, अब तो दरवाजा खोलो। मैं तो तुम लोगों की आवाज सुन के डर गया। हम तेरी तरह गिरे हुए नहीं है। Ugh.
डॉक्टर साहब इसकी आंखें लाल हैं। मेरा ख्याल सही था, इसे वायरस है। जल्दी से सीरोक्साइड 20 ml और डबल डोज। जी मुझे पता है डॉक्टर साहब। मेरी बेटी बच जाएगी ना? क्या पता, तुम्हारी बेटी की कम से कम उम्मीद तो है, मेरी बेटी की तो वो भी नहीं। प्रकाश, इंजेक्शन तुमको ही देना पड़ेगा। सुप्रिया बेटी, बेटी सुप्रिया। बाबा, 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 बाबा। सुप्रिया बेटी। बाबा, तू बच गए। डॉक्टर साधना ने तुम्हारी जान बचाई है और मैंने डॉक्टर साधना को मौत के मुंह में धकेल दिया। राजशेखर बाबू, किस तरह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? मैंने तुम्हारी बेटी को मौत के मुंह में ढकेल दिया और तुम्हारी बेटी ने मेरी बेटी की जान बख्श दी। यही तो फर्क है हमें और तुम में। हम तो जिंदगी देते हैं और तुम सिर्फ मौत। लगता जादू ने असर कर दिया है। बेटी, डॉक्टर साधना की जान बचाने के लिए मैं दरवाजा खोलने जा रहा हूं। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो ना। अब यही कहते मैं सही कर रहा हूं। राजशेखर बाबू ने सही कहा, मैं मौत दे सकता हूं, जिंदगी नहीं। दरवाजा खोलो ना नियोगी। जानबूझकर ये दरवाजा खोला है क्योंकि यही मेरा प्राश्चित है। मैं मरने के लिए तैयार हूं, मेरे शरीर को भस्म कर दो। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।